राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लाभ के पद को लेकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की अयोग्यता वाले चुनाव आयोग के फैसले को मंजूरी दे दी, जिसे आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने इस बाबत राष्ट्रपति के पास शुक्रवार को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद आम आदमी पार्टी के पास अब बस कोर्ट का विकल्प बचा है। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आपने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई सोमवार को होनी है। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी बात सुने बिना ही चुनाव आयोग ने एक तरफा फैसला कर लिया। राष्ट्रपति के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भगवान ने इसी दिन के लिए 70 में से 67 सीटें दी थी। अपने दूसरे ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने इस बाबत केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। वही राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने भी एक अधिसूचना जारी कर दिल्ली विधानसभा के 20 सदस्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम यानी GNCDT के तहत अयोग्य ठहराने की सूचना दी है।